सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्त सामने खड़ी हुई टीवीएस की तरफ से आने वाली एक ऐसी गाड़ी जिसको मतलब काफी लोग लेने कुछ आते हैं और लेके ये वाली गाड़ी जाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं टीवीएस की रॉनिन की। 225 सीसी की ये गाड़ी आती है और मतलब ये जब आप चलाओगे तब आप इसे महसूस कर पाओगे कि क्या चीज टीवीएस ने बना के दी है हमें। मतलब जब टीवीएस की जब बात आती है ना तो काफी लोग उसकी बाइकें पहचानते हैं, जैसे अपाचे है या मतलब स्पोर्ट है, ऐसी बाइकें पहचानते हैं। बट जब हाइपर सेगमेंट में जाती है तो जब रॉनिन निकल के आ रही है और कह लो 310 निकल के आ रही है तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सामने खड़ी हुई टीवीएस की रॉनिन। अब ये टीवीएस की रॉनिन का जो है टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि मतलब टीडी नाम से आता है। इस गाड़ी के तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डीएस, एसएस और टीडी नाम के तीन वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। प्राइस का भी इसमें थोड़ा बहुत फर्क है और फीचर का भी फर्क आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करिए गाड़ी की आगे से तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस गाड़ी की चाबी से। गाड़ी की जो कीज़ हैं वो मतलब काफ़ी यूनिक लगी मुझे। कुछ ऐसी आपको गाड़ी की देखने को मिल जाती है जिसमें मतलब आपको अलग ही डिजाइन, मतलब जो कहते हैं ना अलग, बिल्कुल अलग ऐसा, ये जो टी सा दिया हुआ है ये बिल्कुल अलग सा डिजाइन दिया हुआ है, ये काफी अच्छा लगा मतलब चाबी की तरफ से। और यही जो मतलब पॉलिसी है या कह लो लेगेसी जो चाबी की आई है, मतलब जैसे एक बार इसको ऑन कर देता हूँ मैं, जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वही जो लोगो आपको उसमें मिल रहा था बिल्कुल सेम यहाँ पर। कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत रेफरेंस दूं तो ये टेस्ला वाला लग रहा है, जैसे टेस्ला का लोगो होता है ना वैसे ही वाला लगने वाला है। जब आप इसे आगे से देखोगे तो आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा एलईडी सेटअप, यहाँ पे पूरा पूरा ग्लॉस में दिया गया है। आपके यहाँ पे जो इसके टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको एलईडी में देखने को मिले, कोई भी हैलोजन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी मतलब कह सकते हो कि हैलोजन का यूज ही नहीं हुआ है गाड़ी में, ठीक। हैलोजन आपको देखने को मिल रहा है, प्रीमियम सेगमेंट आपको देखने को साफ साफ मिल गया, ठीक। इधर से अगर मैं बात कर देता हूँ गाड़ी की तो इधर से आपको देखने को मिल जाएंगे यूएसडी फोक्स इस गाड़ी में। यहाँ पे ये पूरे के पूरे गोल्डन में दिए हैं यूएसडी फोक्स। नीचे की तरफ जब मैं बढ़ूंगा तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा इसका 9 स्पोक का व्हील। अगर मैं व्हील के साइज की बात करूँ तो व्हील का साइज जो रहने वाला है वो रहने वाला है 110/70/17, ठीक है, 110/70/17 के इसमें आपको टायर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल गया इसका एबीएस, इसमें यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एबीएस वाली चीज़ दी है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक के साथ दी है। अब यार एक बात बताऊं, जैसे जब तक आप बाइक चलाओगे नहीं ना जब तक आपको फील नहीं होगा ये बाइक है क्या। मतलब देखो काफी मतलब कम लोग इसे जानते हैं कि रॉनिन नाम की कोई बाइक आ रही है या नहीं आ रही है। बट जो कहते हैं ना, जैसे अब मैं भी देखो वो ऑन करता हूँ, मैं वो खड़ी वहाँ पे बुलेट, इसे मैं चलाया मैं उसे भूल गया, वो एक अलग ही चीज है, वो भी एक अलग चीज है, मानता हूँ सेगमेंट अलग है। बट ये जो चीज है एक बेस वाला साउंड और एक मतलब जो अपराइट पोजीशन पर आदमी बैठता है, जो अपराइट पोजीशन में क्यों बता रहा हूँ, ये जो चीज देख रहा हूँ ना हैंडल रेस इस चीज से जो रहा है तो इस पर जब आदमी बैठता है तो मतलब थोड़ा अपराइट पोस्चर में बैठता है तो उसको ना मतलब जो कहते हैं थकान, ये जो कलाइयां होती है बिल्कुल बिल्कुल उसकी सीधी बैठ रहती है, कोई मतलब डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होता, ठीक। ये तो बात होगी इसके आगे से कि आगे से क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस साइड से ये उसका कुछ ऐसा लुक रहने वाला है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इस गाड़ी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखोगे तब तक आप इस गाड़ी को समझ नहीं पाओगे गाड़ी है क्या। जो टेक्नोलॉजी इसमें टीवीएस ने यूज करी है, जो इंजन इसमें यूज करा, जो चार्म इस गाड़ी को चलाने में आता है, स्लिपर क्लच कह लो चाहे कह लो उसके गियर, मतलब ऐसे पड़ते हैं, मतलब जो मैंने अभी चलाई पहली बार गाड़ी पार को तो मेरे को उसमें ये लगा कि इस गाड़ी में आपको क्विक स्टार्ट देखने को मिलता है, इतनी जल्दी इजी स्मूथ गियर पड़ रहा है कुछ कहने के नहीं। जब इधर से मैं आ जाता हूँ इधर आपको देखने को मिलता है इसका पूरा का पूरा टैंक जहाँ पे आप अपना पेट्रोल फिल कर सकते हो। और अगर टैंक कैपेसिटी की बात करिए तो ये गाड़ी में आपको 14 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो दिया है जो कि 3D में, और मतलब ये जो स्ट्राइप्स गई है ना ये काफी अच्छी लगती है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल वाला लुक होता है ना थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता है, ठीक। नीचे की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो 5 स्पीड का देखने को इसमें मिल जाएगा आपको गेयरबॉक्स। अगर पीछे से मैं बात करता हूँ उस गाड़ी की तो पीछे से आपको एक चीज अलग से देखने को मिलेगी इस गाड़ी में, क्या ऐसा चेन कवर आपने आज तक किसी गाड़ी में देखा मतलब पूरा का पूरा चेन ही ढक दिया, कहीं भी मतलब आपको ल्यूप कराने की जरूरत नहीं है, करा मतलब ल्यूप कराने की जरूरत तो ऑफकोर्स पड़ेगी बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक इसमें कम पड़ेगी, क्योंकि इसका जो चेन कवर है पूरा का पूरा ढका हुआ है, जो आपकी रस्ट वस्ट है वो थोड़ी कम जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक, ठीक। इधर से अगर मैं आ जाता हूँ तो इधर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका ऑयल कूल्ड वाला सेक्शन, ये ऑयल कूल्ड आती है, ये कोई भी लिक्विड कूल वाला वर्जन नहीं है। अब ये क्यों है आप देखो, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसी आ रही है। इधर से अगर मैं बात करता हूँ तो इधर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्लास्टिक इसके प्लेट, जो कि आपका नीचे का सेक्शन पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेगी। मेन स्टैंड इस गाड़ी में कंपनी से लगा हुआ आता है, ठीक है। ये भी मतलब आज की जल्दी की जैसी जितनी बाइक है ना उसमें मेन स्टैंड निकलता चला जा रहा है वेट रिडक्शन के मामले में, बट कॉस्ट कटिंग है वो कहीं ना कहीं सस्ती पड़ती हुई कंपनी को इसलिए करते हैं, ठीक। पर इधर से बात कर लेता हूँ तो इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं डबल चैनल एबीएस, वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक बार इस गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है साइलेंट स्टार्ट। मतलब साइलेंट स्टार्ट क्या है, मतलब जो क्रैंक वाली जो आवाज आती है ना वो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सेल मारो चुपचाप से जैसे एक्टिवा स्टार्ट हो जाती है शांति से वैसे स्टार्ट हो जाती है, देखो हो गई। और मतलब बेस सुनो आप इसका, जैसे एक बार मैं माइक निकाल के दिखाता हूँ आपको, मतलब देखो जो बेस इस गाड़ी में आ रहा है वो अलग ही लेवल पर आ रहा है। सीट की अगर बात करी जाए तो सीट की जो कुशनिंग है वो काफी स्मूथ रहने वाली है, मतलब कोई भी मतलब हार्ड सा फील नहीं होगा। लॉन्ग ड्राइव के लिए आपके लिए ये बाइक डेफिनेटली ये बनी है लॉन्ग ड्राइव के लिए, जिसे कहते हैं लॉन्ग जाना लंबा जाना वो जाओ ऐसे करके बैठो, अपराइट पोजिशन में इसका वो हैंडल दिया हुआ पूरा का पूरा,
और आराम से आपको अच्छा व्यूज देता है, कोई भी आपको इस गाड़ी में थकान नहीं होती। पीछे की तरफ मैं जाता हूँ तो पीछे भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसका एलईडी का पूरा ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके डबल वो क्या कहते हैं एलईडी वाले इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिल गया जो कि क्या कहते हैं 3D में आपको प्रिंटेड देखने को मिलेगा। ठीक, नीचे की तरफ मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी चीज है। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी में कहीं भी हेलोजन का यूज नहीं हुआ। इधर आपको दो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और इधर आपको जो है साड़ी गाड़े यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर टायर सेक्शन की पीछे वाली की बात कर ली जाए कि पीछे जो टायर सेक्शन मिलता है वो कैसा आपको देखने को मिल जाता है, तो पीछे जो टायर सेक्शन की जो वो क्या कहते हैं साइज रहने वाला वो आपको देखने को मिलेगा 130/70/17 का टायर आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। टीवीएस जो आपको दोनों को दोनों टायर दे रहा है वो आपको उसकी काफी मोटी गुट्टी में मिल रही है। जो गुट्टी है ना इस चीज की, ये काफी स्टिफ रहने वाली है जो ऑफ रोड में बहुत बढ़िया काम करेगा। मतलब ये टायर थोड़े महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू डेड टायर जो मतलब नॉर्मल से टायर होते हैं। आगे भी चाहे पीछे भी दोनों की तरफ से ले लो तो दोनों में आपको बहुत ही मोटे गुट्टी वाले टायर देखने को मिलने वाले। ठीक, मैं बात करता हूँ गाड़ी की स्पीडोमीटर की। ठीक है, स्पीडोमीटर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसा स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक बार मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ। जब आप स्पीडोमीटर देखोगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर इस यूनिट की बात करी जाए तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे वार्निंग वाली लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल गए, इंजन की लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा, ABS देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में क्या है, आप अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो आराम से और मतलब जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है सीधी सीधी यहाँ पे ले सकते हो। नेविगेशन वेविगेशन आपकी छोटी मोटी जो चीज़ होती है वो आप इसमें देख सकते हो जो कि एक अच्छी चीज़ है। मतलब छोटी मोटी तो खैर नहीं, ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है इसकी तरफ। ठीक है, अगर बात कर लीजिए SV तो इसमें आपको दो मोड देखने को मिल जाता है। आप जब इधर से देखोगे तो यहाँ पे आपको मोड का एक स्विच दिया है, यहाँ पे जब आप मोड दबाओगे तो यहाँ पे जब आप देखने को जैसे मैंने मोड को प्रेस करा तो यहाँ रेन और अर्बन पे आ गया। रेन और अर्बन इसमें दो मोड आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। इधर से टॉगल स्विच की बात करी जाए तो सिंपल वैसे TVS के जैसे होते हैं वैसे ही रहने वाले हैं। यहाँ पे लाइट का नॉर्मल सा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे LED इधर कंट्रोल करने का या हॉर्न का। हॉर्न भी काफी ज्यादा डिसेंट है, मतलब अच्छी खासी आवाज कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा हॉर्न नहीं है जो मतलब सुनाई ना दे रोड पर। ठीक, अगर मिरर्स की बात कर ली जाए तो मिरर्स काफी अच्छी क्वालिटी के रहने वाले हैं। जैसे डोमिनार के आपने मिरर देखे हैं, डोमिनार के जो मिरर होते हैं कुछ वैसे ही मिरर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं जो कि मतलब जैसे एक तो मिरर होता है मैं बताऊं आपको नॉर्मल वाले जैसे इन गाड़ियों में आते हैं, जैसे ये डंडी सी होती है सीधी सीधी वैसे वाले, वैसे नहीं है, थोड़ा अलग से लग रहे हैं, थोड़े मतलब प्रीमियम से महसूस हो रहे हैं और थोड़े ये रोबोट्स भी ज्यादा रहते हैं, वाइब्रेशन कम करते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त। अब एक अच्छी चीज और बता दूं, इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है एडजस्टेबल वाले जी क्या कहते हैं लीवर। एक लीवर कह लो तीन सेटिंग्स पर आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं ये यहाँ पे भी फर्स्ट पे है, सेकंड वो थर्ड पे भी है, तो मैं सेकंड पे करूंगा फर्स्ट पे करूंगा तो मतलब इसमें ट्रेवल हो जाता है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस वाले में भी और आपको इस वाले में भी, आपको मतलब दोनों में एडजस्टेबली मिलेंगे कोई भी मतलब। जैसे इसमें आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब जैसे इसमें दिया हुआ वैसे ही आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई पूरी की पूरी बात। अब जो मेन चीज, जो मेन फैक्टर है गाड़ी का कि गाड़ी कॉस्ट क्या कर रही है, ये जो सामने वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है इसका टॉप एंड वेरिएंट जिसका नाम है TD, इसकी कॉस्ट आपको ऑन रोड जो निकल के आ रही है, अभी मैं बरेली में खड़ा हुआ हूँ, जो इसकी जो कॉस्ट आपको निकल के आ रही है वो आ रही है 210,000 रुपए। 210,000 रुपए में इतनी बड़ी बाइक, ठीक, ऊपर से 225 cc, ऊपर से सारी टेक्नोलॉजी, ऊपर से ऐसे टायर, मतलब एडजस्टेबल लीवर, और जो कंफर्ट ये बाइक दे रही है वो आपको मैं डैम श्योर हूँ कोई बाइक आपको कंफर्ट ऐसा नहीं दे सकती है। दे सकती है पर मतलब वही है ना, प्राइस रेंज जो है, प्राइस रेंज में अगर कंफर्ट आप अगर आप चाह रहे हो एक ऐसी टूरिंग बाइक जो कि आपका साथ दे और मतलब आपको पावर में कोई कमी महसूस नहीं होने दे और वाइब्रेशन जीरो हो जिसमें, तो आप आंख बंद करके TVS की रॉनिन की तरफ जा सकते हो। तो ये पूरा पूरा ओवरव्यू मैंने बता दिया है। आने वाले समय में इसके बेस मॉडल की या मिड वेरिएंट जो इसका बेस मॉडल है DS और ESS जो भी है इनकी भी वीडियो मैं चैनल पर डालता रहूंगा, तो इन वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज की पूरी वीडियो यही थी। TVS रॉनिन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो भी क्वेरी आपको वो पूछ सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, स्पेशल थैंक्स टू श्री बालाजी मोटर्स बरेली में शोरूम है, हमारे भैया का ही शोरूम है। कोई भी क्वेरी आपको करनी है TVS के रिगार्डिंग तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं श्री बालाजी मोटर्स पे। ठीक, और शोरूम का नंबर वंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।